कैल्थेन क्यूलिन, कैल्थेन क्यूलिन में क्या रहता है कि इसमें आप देखो जब कैल्थेन करते हैं तो इसमें एयर वॉइड्स क्रिएट होता है, एयर वॉइड्स क्रिएट होने की वजह से वो क्या करता है ड्राई ओपेसिटी देता है। एयर वॉइड्स का साइज क्या रहता है 0.3 0.4 माइक्रोन के साथ आसपास रहता है, जिससे उसका स्केटरिंग एफिशिएंसी बढ़ता है और वो ड्राई ओपेसिटी देता है। अभी इसमें हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मैक्सिमम कैल्सेन के लिए यूज करते हैं जो हाई पीवीसी पेंट होते हैं, डिस्टेम्बर है, प्राइमर है, हम आराम से यूज कर सकते हैं, काफी परसेंटेज तक यूज कर सकते हैं। एक ओनली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहता है, एक तो ग्लॉस कम कर देता है, दूसरा एक लिमिट से ज्यादा हम यूज करते हैं तो चॉकिंग इफेक्ट देता है। तो वो दो पैरामीटर को अगर देखें, बाकी का उसका इसका पॉजिटिव रहता है, बेटर ओपेसिटी देता है, व्हाइटनेस भी अच्छा देता है, सूखने के बाद में पेंट ड्राई होने के बाद में हम लोगों को व्हाइट दिखता है। और ये सिंथेटिक जो एल्युमिनियम सिलिकेट बोलते हैं बहुत कॉस्टली होता है, उसको भी हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें इस कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे पार्टिकल साइज भी डिपेंड करता है, 2 माइक्रोन कितना है उसमें, व्हाइटनेस ब्राइटनेस कितना है, जैसे 65 से 70, 75 से 80, 85, 80 से 85, तो उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड अवेलेबल है। अगर आपको डिस्टेम्बर प्राइमर बनाना है तो लो क्वालिटी का यूज कर सकते हो, आपको टेक्टर इमल्सन टाइप का बनाना है तो मीडियम क्वालिटी का यूज कर सकते हो, और आपको हाई क्वालिटी का बनाना है तो आप लोग हाई क्वालिटी वाला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी कैटेगरी में आता है कि हम लोग उसको TiO2 को और कैसे कम कर सकते हैं, कंपोजिट बना के भी हम लोग कम कर सकते हैं, कि जैसे TiO2 का क्या है डिस्पर्स फॉर्म में कर लिया, तो हम लोग का एक प्रोडक्ट है पिगमेंट 80, और मार्केट में और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, व्हाइट पिगमेंट ओपेसिफायर के नाम से है। तो व्हाइट पिगमेंट ओपेसिफायर का मेन जो कंसेप्ट है टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारे रहते हैं, मेन पर्पज क्या रहता है उसमें, TiO2 जो हम यूज करते हैं उसको हम डिस्पर्स फॉर्म में यूज करते हैं, उसको हम ट्राई करते हैं कि डिस्पर्स हो जाए TiO2, जिससे मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। अभी बोलते हैं कि उसको कैसे हम लोगों ने रिप्लेस किया TiO2, एक्चुअली रिप्लेसमेंट TiO2 का टेक्निकली लेमेन में बोले तो टेक्निकली क्या रहता है कि जो TiO2 आपके अपने सिस्टम में यूज करो, बाहर का प्रोडक्ट लेके यूज करो, कैसे भी करो, उसको डिस्पर्सन होना चाहिए उसका प्रॉपर, और ये भी फाइनल पार्टिकल साइज का होने की वजह से ये भी TiO2 को रिप्लेस करता है। तो ये प्रोडक्ट हम लोगों का एक सिंगल इन्वेंट्री प्रोडक्ट है, वो सभी एप्लीकेशन में चलता है, वाटर बेस हो, सॉल्वेंट बेस हो, आपका कंस्ट्रक्शन केमिकल हो, इंक हो, प्लास्टिक हो, सभी में चलता है। तो इसी टाइप के जो प्रोडक्ट हैं उनका मेन वही है कि TiO2 ही डिस्पर्स फॉर्म में रहता है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 से 2.1 के आसपास रहता है, TiO2 को स्पेसिंग करता है, लाइट जो है उसका स्केटरिंग बढ़ाता है, इस वजह से ये क्या TiO2 रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। अभी ये देखेंगे तो मैंने एक ये दिखाया है पिक्टोरियल के फिलर लिया है और TiO2 पार्टिकल लिया है, दो अभी इसमें दो TiO2 पार्टिकल है, उनके बीच में हम लोगों ने जो फाइनल फिलर है उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस करने की वजह से कंपोजिट बनता है। अल्टीमेटली हम अपने फॉर्मुलेशन में भी वही करते हैं कि हम लोग उसको फाइनल फिलर लेके हम लोग उसको डिस्पर्सन करते हैं, ये वाली कंपोजिट की है, ब्लू लाइन कंपोजिट की है और रेड लाइन जो है रेगुलर TiO2 की है। तो आप ब्लू लाइन को देखोगे तो स्केटिंग एफिशियंसी बढ़ा है, स्केटिंग एफिशियंसी बढ़ेगा तो एक आपका ओपेसिटी भी बढ़ेगा। कई बार बोलते हैं कि TiO2 से ज्यादा ओपेसिटी कैसे हो सकता है, अगर हम है क्योंकि ये जो फिगर देते हैं कोई किसी पे ध्यान नहीं देता है, फाइनल फिलर पे ध्यान नहीं देगा, TiO2 रिप्लेसमेंट का भी ट्राई नहीं करते हैं, फॉर्मुलेशन कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ट्राई नहीं करते हैं। तो मेरा कहना यही है सभी से कि जब भी जो भी सिचुएशन है हम लोगों को लगातार काम करते रहना चाहिए लगातार, क्योंकि कब सिचुएशन कैसी होती है, और दूसरा अपने जो फॉर्मुलेशन है उनको अपने को कैसे इम्प्रूव करना है वो अपना टारगेट होना चाहिए, तो उसके लिए कंटिन्यूस वर्क होना चाहिए, चाहे TiO2 का प्राइस कम हो या ज्यादा हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि TiO2 का प्राइस जब रहता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट के कॉस्ट भी रहता है। तो एवरी टाइम वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू डू द R&D फॉर इंक्रीजिंग अवर क्वालिटी ऑफ अवर प्रोडक्ट, तो और उससे कॉस्ट भी कम होता है। तो ये जो पिगमेंट 80 का है आप देखोगे कि हाई पीवीसी पेंट में जहाँ TiO2 परसेंटेज 0.5 से 0.3% तक रहता है, वहां पे आप 70 to 100% तक रिप्लेस कर सकते हो, मीडियम क्वालिटी में 30 से 50% तक कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में अप्रोक्सीमेट 20 से 30% तक, और भी ज्यादा कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे ट्राई करते हैं तो यूज कर सकते हैं उसको। और सभी एप्लीकेशन में डेकोरेटिव एल्किड है, प्राइमर है, अंडर कोट है, कॉइल कोटिंग है, मास्टर बैच है, पाउडर कोटिंग है, रोड मार्किंग पेंट है, कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। आप देखोगे TiO2 लेवल 14% है और इसमें रिप्लेस किया है 5, 10, 15, 20, 25, तो रफली 20-25% तक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है,
ओपेसिटी आप देखोगे तो 97.37, 97.55, तो ऑलमोस्ट सेम ओपेसिटी होता है, उस लेवल तक यूज कर सकते हो, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। ओनली आपको अपना फॉर्मुलेशन उस हिसाब से डिजाइन करना है कि आपको ओपेसिटी भी कम नहीं हो, ग्लॉस भी कम नहीं हो, और आपको कॉस्ट बेनिफिट भी हो, और आपका जो सिस्टम है उसमें जो आपका TiO2 यूज हुआ है उसको भी हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करें, उस लेवल तक हम लोगों को इसको ऑप्टिमाइज करने का है। ये ड्रो डाउन भी करके देखा है कि कितना परसेंट रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, तो हम लोगों ने देखा 30% तक कोई इश्यू नहीं रहता है लो पीपीसी पेंट के लिए, हाई पीपीसी में तो ज्यादा भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट ग्रेड से अवेलेबल है, जैसे पिगमेंट 80 है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहता है, लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा चाहिए तो बेरियम सल्फेट बेस होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा रहता है। किसी किसी फॉर्मुलेशन में हमको वेट बेसिस पे रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, तो वहां पे हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का मटेरियल यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे बताया, कोई भी एप्लीकेशन हो, कहीं पे भी हो, जहां भी हम व्हाइट रूटाइल यूज कर रहे हैं वहां पे आराम से इसको यूज कर सकते हैं। वहां पे कोई भी फिलर, इसके अलावा भी जो भी फाइनल फिलर है उनको भी हम यूज कर सकते हैं। हमारा मेन जो आज का टारगेट है वो हम लोग कैसे TiO2 को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, कैसे उसका स्कैटरिंग बढ़ाएं, कैसे हम उसको डिस्पर्स करें, ये अपना मेन टारगेट है। इसी कैटेगरी में दूसरा एक प्रोडक्ट आता है जो अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे हैं, के कलर TiO2 पिगमेंट होते हैं। कलर TiO2 पिगमेंट का जो अगर हम देखें उसका क्या क्या बेनिफिट है और क्यों होता है ऐसा, एक्चुअल में इसका मेन जो रीजन है ये इम्प्योर TiO2 होता है। इल्मनाइट जो होता है, इल्मनाइट इज द रॉ मेटेरियल ऑफ TiO2। इल्मनाइट को जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट और बहुत सारे उसमें कंपोनेंट उसमें रहते हैं, तो उसमें एक रहता है Fe2O3 रहता है, Fe2O3 दैट इज कॉल्ड द आयन ऑक्साइड। आयन ऑक्साइड का लेवल कम ज्यादा होता है उसको प्यूरिफाई नहीं करते हैं, प्यूरिफाई नहीं करते, आयन को नहीं निकालते, क्योंकि आयन को निकालेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है तो वाइट TiO2 के बराबर कॉस्ट हो जाता है। इसलिए मेन टारगेट क्या रहता है कि भाई जहाँ कलर्ड हम बना रहे हैं, जहाँ पे कलर्ड अपना एप्लीकेशन है, वहां पे ऐसा ही क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इस मेटेरियल में मेन यही रहता है कि आयन ऑक्साइड का जो परसेंटेज रहता है वो 3-4% के आसपास रहता है, और जब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम प्रोसेस करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। एक्चुअली दैट इज द केमिस्ट्री उस प्रोडक्ट का, ये रहता है। कोई भी ग्रेड हो, किसी का भी हो, ये उसका कैटेगरी रहता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, इल्मनाइट इम्प्योर होता है, और उसमें डिफरेंट इम्प्योरिटी की वजह से जब हम डिफरेंट टेम्परेचर उसको प्रोसेस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। अभी जैसे ग्रे बनाना है हमको, तो ग्रे बनाने के लिए चीपेस्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रे के लिए आपको ब्लैक सॉरी व्हाइट TiO2 यूज करना पड़ता है, ब्लैक पिगमेंट यूज करना पड़ता है, ब्लू पिगमेंट यूज करना पड़ता है। अगर आप ग्रे TiO2 आपको डायरेक्ट मिलता है तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, क्योंकि आपको पूरा रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे ही आपको बफ कलर बनाना है, ग्रे कलर बनाना है, तो डायरेक्ट उसमें कॉस्ट सेविंग होता है, क्योंकि ये शेड्स अवेलेबल हैं, इन शेड्स की वजह से आपको ओपेसिटी भी मिलता है, डिस्पर्सन भी मिलता है उसमें, और इसमें पिगमेंट का भी सेविंग होता है, जैसे आपका ब्लैक पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है, तो उनका भी कॉस्ट सेविंग होता है, व्हाइट TiO2 का भी सेविंग होता है। तो मेन जो ये कलर TiO2 पिगमेंट जो होते हैं उनका मेन पर्पज क्या है, व्हाइट TiO2 को रिप्लेस करना, पिगमेंट को रिप्लेस करना, पिगमेंट के क्योंकि डिस्पर्सन भी बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोगों को डिस्पर्सन भी इम्प्रूव होता है, टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम होता है, और इजीली हमको शेड मिल जाता है। ये जैसे आप देखोगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे ग्रे है, ग्रे का मैक्सिमम आप लोग डेली में भी देखते हो, मैक्सिमम ओपेसिटी होता है, और व्हाइट का या बफ कलर का थोड़ा कम होता है, तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में नीचे वाली पिक्चर में देखोगे तो मिक्स करके हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं उसको। इसी के साथ साथ ये देखा है कि कई बार पिगमेंट का फ्लोटेशन होता है, पिगमेंट डिस्पर्स नहीं होता है, तो ये टाइप के मटेरियल उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर में देखो, आफ्टर 2 आवर्स इसमें व्हाइट व्हाइट लेयर आपको दिख रही है, और उसमें क्या होता है कि TiO2 ब्लैक पिगमेंट जो डाला है वो प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं हो रहा है, इस वजह से वो लेयर हमको दिखती है। लेकिन इस टाइप के अगर कंपोजिट पिगमेंट है, इस टाइप का पिगमेंट है, तो उसमें ये इश्यू नहीं आता है। दूसरा क्या होता है कि ये जब हम टाइप के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कोरोजन प्रॉपर्टी देखने का, उसका एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी देखने का, क्योंकि अभी क्या है, बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी प्रॉपर्टी डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए, जो हमको प्रॉपर्टी चाहिए वो डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, चॉकिंग नहीं आना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, अपना जो सॉल्ट स्प्रे टेस्ट है वो पास होना चाहिए, तो ये सारी प्रॉपर्टी उसमें मेटेरियल में होनी चाहिए तभी यूज करें, क्योंकि एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको कलर शीट्स बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो, कॉइल कोटिंग हो, पाउडर कोटिंग हो, आपका लिक्विड कोटिंग हो, इंडस्ट्रियल कोटिंग हो, किसी भी फर्नीचर कोटिंग हो, किसी भी टाइप का कोटिंग हो, जहां पे भी आप वाइट TiO2 के अलावा जो डार्कर शीट बना रहे हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। और उसका कॉस्ट बेनिफिट होता है क्योंकि TiO2 को रिप्लेस करता है और पिगमेंट को भी रिप्लेस करता है, इजिली अवेलेबल होता है। हम लोगों का भी ये ग्रेड जो है काफी पॉपुलर है मार्केट में है, ये लोकल लोकली बनाते हैं, तो जो अपना मोदी जी का वो है स्लोगन है लोकल फॉर वोकल, तो वो भी एक फुलफिल होता है। इससे क्या हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं हम उसको हम रोक सकते हैं, और कॉस्ट रिडक्शन होता है और इजिली अवेलेबल हो जाता है। और इसका पार्टिकल साइज भी बहुत फाइन है, अगर हम देखें पार्टिकल साइज इसका पॉइंट इसका आप देखिए D50 है, 0.8 ± 0.2, मतलब 0.6 0.7 जैसा होता है, तो उसकी वजह से इसका डिस्पर्शन भी अच्छा होता है। ये पाउडर कोटिंग में भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड कोटिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको, और डिफरेंट टाइप के शेड भी इससे बना सकते हैं, जैसे ग्रे है, मैरून है, आपका ब्राउन शेड है, तो उनमें काफी कॉस्ट सेविंग भी होता है इसमें। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है इस कैटेगरी में कैल्शियम कार्बोनेट, जो अपन रेगुलर में यूज करते हैं, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन आता है, कुछ लोग बोलते हैं कैल्साइट है या कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है, तो एक्चुअली कैल्साइट बोलो या कैल्शियम कार्बोनेट बोलो या लाइमस्टोन बोलो या चॉक बोलो या मार्बल बोलो, सभी केमिकली इज द कैल्शियम कार्बोनेट। उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, और ये दो टाइप का होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल को हम क्या बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, चॉक बोल सकते हैं, लाइमस्टोन बोल सकते हैं, मार्बल बोल सकते हैं, और दूसरा होता है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका R3 होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है। अभी पहले क्या है सॉफ्ट होता है, लाइमस्टोन जो होता है सबसे सॉफ्ट होता है, उसके बाद में ये मेटामॉर्फिक उससे बनता है तो मार्बल बन जाता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं। तो इस कैटेगरी में सब माइक्रोन कैल्शियम कार्बोनेट, अभी सब माइक्रोन कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब भी वो अगेन वही आता है कि हम इसका पार्टिकल साइज फाइन होने की वजह से TiO2 को रिप्लेस करता है, TiO2 को स्पेसिंग करता है, स्पेसिंग करने की वजह से TiO2 का डिस्पर्शन इंक्रीज होता है और परसेंटेज डोसेस भी उसका कम हो जाता है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम कहाँ से आता है, मैं जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कई बार, मैं तो वियतनाम का यूज करता हूँ, मैं तो इजिप्ट का यूज करता हूँ, अरे वो वियतनाम का हो, इजिप्ट का हो, कहीं का भी हो, लेकिन उसका पार्टिकल साइज क्या है, किसी को पार्टिकल साइज का पता नहीं, कोई ट्रायल नहीं किया, तो उसमें खाली ये बोलते हैं वियतनाम का है तो सब माइक्रोन है, सब माइक्रोन नहीं होता है, वियतनाम का 20 माइक्रोन पार्टिकल साइज भी आता है, 10 माइक्रोन पार्टिकल साइज भी आता है, 8 माइक्रोन पार्टिकल साइज भी आता है, तो क्या पार्टिकल साइज का है एक्चुअल में, तो इसलिए प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। अगर उसका पार्टिकल साइज फाइन है तो डेफिनेटली वो ग्लॉस भी देगा और स्मूथ फिनिश भी देगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो फाइन पार्टिकल साइज का होगा उसे क्या क्या बेनिफिट होंगे, हाई वाइटनेस होगा उसका, ब्राइटनेस होगा उसका, डिस्पर्सिबिलिटी अच्छा होगा, और उसका जो है स्मूथ फिनिश मिलेगा, येलोनेस उसमें कम रहेगा और उसका डिस्पर्सन बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कई सारी ग्रेड्स होते हैं, उसका अनकोटेड भी होता है, कोटेड भी अवेलेबल होता है, कोटेड कहीं कहीं पे यूज करते हैं, आज की डेट में कई सारी एप्लीकेशन में जैसे बेरियम सल्फेट का कॉस्ट बढ़ जाता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए, पार्शियल रिप्लेस करने के लिए कोटेड कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज किया जाता है, तो ये स्टेरिक एसिड कोटेड रहता है, और उसमें पार्टिकल साइज आप देखेंगे तो 0.7 0.8 D50 होता है। अभी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ इस जगह पे कि पार्टिकल साइज में कई बार फाइननेस ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फाइननेस के साथ साथ आपका पार्टिकल साइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, D20 कितना है, D50 कितना है, D97 कितना है या 98 कितना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला पार्टिकल साइज जैसे कई बार बोलते हैं 0.2 से भी कम है, 0.2 से कम का होना, लेकिन उसके होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टिकल आपके 0.2 के हैं, कुछ 0.8 के हैं, कुछ 0.7 के हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नैरो होना चाहिए। जैसे मान लिया आपका फॉर एग्जाम्पल D50 आपका 0.6 0.7 है, तो D97 भी उसका 3/4 के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो बड़ा होगा, कर्व बड़ा होने की वजह से आपको ग्लॉस नहीं मिलेगा, आपको स्मूथ फिनिश नहीं मिलेगा, क्योंकि कई दो पैरामीटर आपने सुने होंगे, एक सरफेस एरिया होता है, एक ऑयल एब्जॉर्प्शन होता है, सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, आपका पार्टिकल साइज कितना फाइन है, कितना वो है। अभी क्या है कि आपने एक मेटेरियल लिया,
आपको मेटेरियल में 0.2 भी है, 0.5 भी है, 0.7 ही है। तो 0.2 जो है अभी ये, क्योंकि आज की डेट में नया एक थ्योरी जैसे हम देखते हैं कि इसमें जो एयरबर्ड्स का थ्योरी है, एयरबर्ड्स क्या करता है, ड्राई ओपेसिटी देता है। तो अगर 0.2 का भी पार्टिकल साइज है तो वो क्या करेगा, इस उसमें एयरबर्ड्स नहीं क्रिएट होने देगा। तो अभी आज की डेट में अगर नैरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें 0.2 माइक्रोन वाले पार्टिकल का अगर स्पेस है तो उसकी जगह पे एयरबर्ड्स क्रिएट होता है। एयरबर्ड्स क्रिएट होने की वजह से वो अपने को ओपेसिटी देता है। तो इसलिए क्या है कि पार्टिकल साइज फाइन है, फाइन होने के साथ साथ तो उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो नैरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड कैटेगरी में, जो अपने फिलर और एक्सटेंडर हैं, सरफेस मॉडिफाइड भी रहते हैं। सरफेस मॉडिफिकेशन का बेनिफिट क्या है कि हम लोगों को एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में, एक्सटीरियर जो रहता है कोटिंग से, उसमें हमको वाटरप्रूफिंग मिलता है। अभी वाटरप्रूफिंग के लिए हम बहुत सारे एडिटिव भी यूज करते हैं, सिलिकॉन्स हैं, साइलोक्सेंस हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेकिन फिलर अगर हाइड्रोफोबिसिटी देता है तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या उसका वो एडवांटेज रहेगा? तो बेनिफिट क्या रहता है कि अगर हम जो सिलिकॉन या वो डायरेक्ट यूज करते हैं, नो डाउट अच्छे हैं, बट उसकी कंपेरिजन में फिलर अगर हाइड्रोफोबिक है तो क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि जो साइलेंस साइलोक्सेन है उनका स्पेसिफिटी कम होता है, वो सरफेस पे आ जाते हैं। एक सरफेस पे आने के बाद में उसका वॉशेबिलिटी 1-2 साल के बाद, नहीं कि 6 ईयर्स का वारंटी है, 8 ईयर्स का वारंटी है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, 1-2 साल के बाद वो धुल जाता है। और दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसका स्टिकीनेस रहता है, उसमें डर्ट पिकअप टेंडेंसी ज्यादा रहती है। अगर आपको मिनरल या फिलर ऐसा है हाइड्रोफोबिक है तो वो एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी अच्छा देगा, एक्सटीरियर कोटिंग में उसको यूज करने में आपको वाटरप्रूफिंग लॉन्ग टाइम तक चलेगा, कोरोजन उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वाटर को रिटेन नहीं होने देगा सरफेस पे। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, फिलर भी यूज कर सकते हैं ये सरफेस मॉडिफाइड वाला, और वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या रहता है, ये मैट्रिक्स में रहता है, अंदर फॉर्मुलेशन में रहता है, जिससे इसको क्या है, वॉशेबिलिटी नहीं होती है, जल्दी से उसका वाटर प्रूफिंग नहीं निकलता है, लॉन्ग टर्म तक रहता है, डर्ट पिकअप नहीं करता है, ये इसमें बेनिफिट रहते हैं। दूसरा क्या है, डर्ट वाटर नहीं रिटेन करता है, तो एल्गी और फंगस भी डेवलप नहीं होते हैं, और उसकी वजह से हमको क्लीन, हमारा जो कोटिंग है वो क्लीन रहता है। तो ये हम लोग का एक प्रोडक्ट है एपीएस लाइट, उसका बेनिफिट क्या है, वाटर प्रूफिंग देता है, यूवी रेजिस्टेंट देता है कि जल्दी से येलो भी नहीं पड़ता है, और दूसरा वेट ओपेसिटी भी देता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट औरों की और फिलर की कंपेरिजन में वेट ओपेसिटी भी अच्छी मिलती है, वाइटनेस अच्छी मिलती है, टीआई टू रिप्लेसमेंट मिलता है, वाटर प्रूफिंग मिलता है। तो ये फॉर्मुलेशन में 6-7% तक आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ और भी फिलर के उसमें कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। वाटरप्रूफिंग का टेस्ट आप कैसे भी कर सकते हो, किसी भी पोरस एप्लीकेशन पे अप्लाई करके भी आप कर सकते हो, जैसे ब्रिक वगैरह आप अप्लाई करो, नॉर्मल कोटिंग करो, ये करो, तो आपको पता चलेगा कि वाटर रिटेन होता है कि नहीं होता है। अगर पानी अगर हम डालते हैं तो कितने टाइम के बाद वो ड्राई हो जाता है, अगर बारिश आती है तो कितने टाइम में ड्राई होता है। इसी कैटेगरी में एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे लोग यूज करते हैं, कूल कोटिंग बनाते हैं, हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग बनाते हैं। हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी वही है कि उसमें जो जितनी अपना रेडिएशन आता है उसमें क्या है, आईआर ज्यादा रहता है, आईआर की वजह से क्या है, हीट रहता है, गर्मी रहती है, उसको जितना रिफ्लेक्ट करेंगे उतना हमको कोटिंग अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा, तो दैट इज द पर्पज। तो ये जो प्रोडक्ट है मल्टी फंक्शनल फिलर है, उसमें क्या क्या बेनिफिट रहता है, टेम्परेचर को डाउन करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एब्रेशन रेजिस्टेंट रहता है। एब्रेशन रेजिस्टेंट मतलब जैसे आपने मंदिर के आगे लगाया, मस्जिद के आगे लगाया, छत पे लगाया, तो जल्दी से घिसना नहीं चाहिए, तो एब्रेशन रेजिस्टेंट रहता है, टेम्परेचर डाउन करता है, वाटरप्रूफिंग भी देता है ये, और यूवी रेजिस्टेंट देता है। क्योंकि अभी जो कूल कोटिंग बनते हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डर्ट पिकअप नहीं, अपना इंडियन एनवायरनमेंट जो है वो डर्ट पिकअप करता है, डर्ट पिकअप करने की वजह से 1-2 साल के बाद में क्या होता है, उसमें जो टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करना है वो पावर कम होती जाती है, इसलिए उसमें कूलिंग इफेक्ट भी कम होता जाता है। जैसे अपना माइक्रोस्फीयर यूज करते हैं, माइक्रोस्फीयर बहुत बढ़िया कूलिंग के लिए यूज होता है, लेकिन अपने इंडियन एनवायरनमेंट में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका भी डर्ट पिकअप टेंडेंसी ज्यादा रहता है। तो देखा होगा इंडिया में कम यूज होता है, आउटसाइड इंडिया काफी यूज होता है। तो इसलिए इंडिया में ऐसे अपने को फिलर होना चाहिए, ऐसा मेटेरियल होना चाहिए जो अपने एनवायरमेंट में सूट हो। ये आप देखोगे कूलटेक्स का एक फॉर्मुलेशन भी है, टेंटेटिव फॉर्मुलेशन, जिसमें 15% यूज किया है, और ये छत पे टेरिस पे अप्लाई करके भी देखा है। तो
नेक्स्ट आता है कि अभी उसमें हम लोगों को आज की डेट में फायर रिटार्डेंट पेंट बनाते हैं हम लोग, वेरियर प्रॉपर्टी वो होना चाहिए। तो टाल्क एक नया प्रोडक्ट है, जैसे एपी टाल्क हाई एस्पेक्ट रेशो टाल्क है, इसमें एस्पेक्ट रेशो ज्यादा होता है। एस्पेक्ट रेशो ज्यादा होने की वजह से क्या रहता है, उसका वेरियर प्रॉपर्टी ज्यादा रहता है। अभी एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, तो अगर हम टाल्क देखें, टाल्क इधर मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है। अभी एस्पेक्ट रेशो को हम कंपेरिजन करें तो कैसे होता है, जैसे एक बुक है सपोज, है ना, बुक को अगर जैसे नोटबुक है, अभी हम लोग बोले बच्चे को इसको फाड़ दो, तो कैसे फाड़ेगा वो, एक एक पेज अलग भी कर सकता है और अलग अलग तरीके से भी उसको टियर कर सकता है। सेम ऐसे टाल का ग्राइंडिंग होता है, टाल का ग्राइंडिंग होता है तो लम्स को आप कैसे ग्राइंड करते हो, प्लेट को फ्रैक्चर भी कर सकते हो, बीच में से भी टूट सकती है, और एक एक प्लेट को आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो अगर आप एक एक प्लेट को अलग करते हो तो उसका जो एरिया है ऊपर का, जो वॉल्यूम है मतलब जो, तो उसका वो ज्यादा होता है और थिकनेस कम होती जाती है। जैसे आप नोटबुक में से एक एक पेज आप सेपरेट करोगे तो उसका जो एरिया है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम रहती है, खाली थिकनेस कम होती जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द डिलेमिनेशन प्रोसेस। डिलेमिनेशन मतलब एक एक लेयर को हम सेपरेट करते जा रहे हैं, एक एक लेयर को सेपरेट करने की वजह से हम लोगों को थिकनेस कम होती जाती है लेकिन एरिया ज्यादा है। अब उस जो नोटबुक के पेज अलग अलग हुए, उससे अगर हम बोले कि इसे दीवार को कवर करना है, तो दीवार को एक स्फेरिकल बॉल से करें और एक इसे पेपर से करें जो पूरा पेपर है, तो उसमें क्या होगा, पेपर से अच्छे से कवर होगा, उसमें गैप कम रहेगा, गैप कम होने की वजह से उसमें जो पेनिट्रेशन पावर है वाटर का, एसिड का, कोई भी केमिकल का, वो नहीं होगा जल्दी से, इसलिए उसका बैरियर प्रॉपर्टी अच्छा होगा, एक्सटेंड ड्यूरेबिलिटी अच्छा होगा उसका। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टाल्क एंड हाई एस्पेक्ट रेशो टाल्क। नॉर्मल टाल्क मतलब जो हम ग्राइंडिंग करते हैं तो कोई भी सरफेस किसी भी तरीके से वो क्रश हो जाता है, लेकिन डिलेमिनेशन टाल्क के हाई एस्पेक्ट रेशो टाल्क में एक एक सरफेस को, लेयर को सेपरेट करते हैं। तो आप देखोगे कन्वेंशनल जो फिलर होते हैं उनमें लाइक बॉल टाइप का है, तो अगर हमने वाटर या कोई भी एसिड या कोई केमिकल या कुछ भी पेनिट्रेट करते हैं तो इजिली सब्सट्रेट या वहां तक चला जाता है, लेकिन जो प्लेटी होते हैं जिनका एस्पेक्ट रेशो ज्यादा होता है वो थोड़ा डिफिकल्टी से जाते हैं या उनको टाइम लगता है, इसलिए कोटिंग जल्दी से खराब नहीं होती है। तो उसका सॉल्ट रेजिस्टेंट अच्छा होता है, फायर रेजिस्टेंट अच्छा होता है, बैरियर प्रॉपर्टी अच्छी होती है। तो इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जितना भी एंटी कोरोजिव कोटिंग है उसमें यूज कर सकते हैं, बैरियर कोटिंग जहाँ भी अपने को चाहिए वहां यूज कर सकते हैं, फायर रिटार्डेंट कोटिंग है वहां पे भी हम हाई एस्पेक्ट रेशो टाल को यूज कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में जिंक फॉस्फेट भी आता है, जिंक फॉस्फेट को भी हम लोग एज एंटी कोरोजिव पिगमेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये कोरोजन जहाँ भी हम मेटल पे अप्लाई करते हैं पेंट को, तो हम लोगों को कोरोजन नहीं लगना चाहिए, इसी वजह से हम लोग उसको जिंक फॉस्फेट को यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट आता है बेराइट। बेराइट में भी ये रहता है, नेचुरल होता है और सिंथेटिक होता है, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही अच्छे होते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो सिंथेटिक होता है उसमें क्या रहता है, वाइटनेस ज्यादा रहता है, वाइटनेस ज्यादा होने की वजह से प्योरिटी ज्यादा रहता है। तो कुछ एक एप्लीकेशन में हम लोग सिंथेटिक भी यूज करते हैं, कुछ एक में नेचुरल भी यूज करते हैं, तो दोनों टाइप का कोई इश्यू नहीं रहता है, दोनों टाइप का बेरियम सल्फेट अच्छा रहता है, लेकिन प्योर होना चाहिए। आज की डेट में क्या है, प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेराइट के नाम पे बेराइट नहीं मिलता है एक्चुअल में, बहुत सारा उसमें इम्प्योर रहता है, तो इसलिए कि जो इम्पोर्टेड आता है वो ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें प्योरिटी अच्छी होती है, वाइटनेस अच्छी होती है, और उसका पार्टिकल साइज बहुत फाइन होता है, पार्टिकल साइज फाइन होने की वजह से वो अच्छा ग्लॉस देता है। एक जो बेरियम सल्फेट का मेन जो करेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि वो कलर रिटेन करता है, कलर रिटेन मतलब अगर जैसे ब्लैक में आप कोई भी फिलर यूज करोगे तो ब्लैक को क्या करता है, वो फिलर अगर ओपेसिटी देगा तो ग्रे में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन बेरियम सल्फेट या बेराइट ऐसा होता है अगर प्योर है तो वो कलर को चेंज नहीं करता है, ये ब्लैक है तो जेट ब्लैक है तो जेट ब्लैक ही रहेगा, अगर आप बेरियम सल्फेट डालोगे, प्रेसपिट बेरियम सल्फेट या नेचुरल जो भी डालोगे वो ब्लैक को ब्लैक ही रहने देगा। दूसरा क्या होता है कि उसका पार्टिकल साइज फाइन है, जैसे लेस देन 0.6 0.7 D50 लेस देन 1 माइक्रोन है, तो क्या करेगा उसको डिस्पर्सन भी अच्छा करता है, इसलिए आप देखा होगा जितने भी पिगमेंट मैन्युफैक्चरर है वो मैक्सिमम बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है पिगमेंट को डिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए ब्लैंक फिक्स या जो बेरियम सल्फेट है या प्रेसपिट बेरियम सल्फेट है या नेचुरल है फाइन होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, तो वो उसको पिगमेंट को डिस्पर्सन के लिए यूज करते हैं, जिससे पिगमेंट का स्ट्रेंथ है उसको भी कम नहीं करता है और ग्लॉस भी बढ़ाता है और डिस्पर्सन भी इंक्रीज करता
और इसका क्या होता है कि एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है, वेदर प्रॉपर्टी जो होती है, वेदरिंग इफेक्ट वो अच्छा होता है। जैसे अभी वेदरिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा अपना वॉशिंग मशीन है, पाइप है, जो बाहर पड़े रहते हैं धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग येलो हो जाते हैं, तो वेदर का उस पर इफेक्ट होता है वो वेदर। इसलिए अगर इस टाइप के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें उसको येलो नहीं होने देगा, वेदर प्रॉपर्टी है उसको अच्छी उसमें मिलेगी, और जिससे कोटिंग से आपका लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होगा। और ये सभी टाइप के फॉर्मुलेशन में चलता है, वाटर बेस हो, सॉल्वेंट बेस हो, प्रिंटिंग इनको पिगमेंट्स हो, मास्टर बैच हो, कंस्ट्रक्शन केमिकल हो, एडिसिव सीलेंट हो, कहीं पे भी हो, सभी जगह इसको यूज कर सकते हैं। रियोलॉजिकल एडिटिव, आपको पता ही है रियोलॉजिकल एडिटिव बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, और उनको हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें टू टाइप्स के रहते हैं, वाटर बेस रहता है, एक सॉल्वेंट बेस रहता है। वाटर बेस में क्या होता है, एक बेंटोनाइट बेस रहता है, एट्रापोनाइट बेस रहता है, दोनों क्ले बेस थिकनर होते हैं, और दूसरा ऑर्गेनो क्ले रहता है। ऑर्गेनो क्ले मीन्स बेंटोनाइट को हम क्वार्टनरी एमाइन से ट्रीट करते हैं, तो ट्रीट करने के बाद में जो हाइड्रोफोबिसिटी आती है, उसमें डिस्पर्सन जो प्रॉपर्टी मिलती है सॉल्वेंट बेस में, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी क्या रहता है, इसमें रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, और ये भी सभी टाइप के फॉर्मुलेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। सर और कंटिन्यू करना है कैसे अभी? सर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि मैं खाली एक दो स्लाइड दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग, क्योंकि फिर नेक्स्ट चैप्टर में ले सकते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जैसे कलर पिगमेंट का मैं बता रहा था, कलर में बहुत सारे हैं जो सिंगल इन्वेंट्री है, मतलब वो वन पैक अभी अवेलेबल है। वन पैक अभी क्या हो गया कि मैन पावर बहुत डिफिकल्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया कि मैन पावर के साथ साथ उसमें ये अपने कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टाइम ऐसा ही बनेगा। अभी लेबर चाय पीने चला गया, डालना भूल गया, कलर डालना भूल गया, ज्यादा देर घुमा दिया, तो अभी बहुत सारे इश्यू आते हैं, और स्मॉल स्केल में बहुत ज्यादा इश्यू रहता है। इसलिए ये लाइक रेडीमेड पावभाजी जैसा हो गया कि भाई आप पावभाजी लो मार्केट से, तो बड़े बड़े प्लेयर भी आजकल यूज करते हैं, तो ये टाइप का हो गया। इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स अवेलेबल रहते हैं, कोई भी कलर हो राल के अकॉर्डिंग वो अवेलेबल रहता है, वो मिल जाता है। रेड ऑक्साइड आता है कलर कैटेगरी में, फिर उसके अलावा कलर्ड मिनरल्स आते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अमोल कुलकर्णी जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया, आप आप कैसे अच्छे हैं? बोलिए। मैं सर हाँ सर, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करने के बाद हम एचटीपीपी डालते हैं तो उससे रिएक्शन करता है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है क्या? एक मिनट सर, क्या बोल रहे हो सर आप? छोटी स्क्रीन लाने से। आप क्या एफटीपीपी डालते हो? सर हेलो, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करने के बाद, एक बार आप दोबारा सर आइए वापस अमोल जी। हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं तो हाँ इसमें एसपी अपना एसटीपीपी और एसएचएमपी, ये दोनों डालने के बाद उसको रिएक्शन हो जाता है और कंकर जैसे बन जाता है 1 महीने के देखिए सर, बाद। एक तो आपका पीएच देखिएगा, पीएच कैसा है, पीएच का, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में बाकी कोई नेगेटिव होता नहीं है, एक पीएच आपका क्या है वो एक इम्पोर्टेंट है, वो आप एक चेक कीजिएगा, मेरे हिसाब से बाकी तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक चीज पेंट विजन की तरफ से आप सबको कहना चाहता हूं। हम लोग ये वेबिनार्स कर रहे हैं फॉर द पेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ, और आप में से कोई भी अगर अपना कोई पेपर प्रेजेंट करना चाहे, या कोई भी अपने कोई टेक्निकल बातें, कुछ टेक्निकल थॉट्स, या कुछ अपनी टेक्निकल जो भी जानकारी है वो पेंट इंडस्ट्री तक शेयर करना चाहे, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप में से कोई भी इस प्लेटफॉर्म का यूज करके और अपनी थॉट, अपने टेक्निकल पेपर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, और वी वेलकम ईच एंड एवरी वन कि कोई भी आ सकता है और हम उसको पूरा ये प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए पूरा मौका देंगे। और मैं फिर बता देता हूँ, इसके हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पेंट इंडस्ट्री, बिकॉज वी वॉन्ट कि पेंट इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। और इसके अलावा भी एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि मई 10, 11, 12 को पेंट विजन एक टेक्निकल कॉन्क्लेव करने जा रहा है इंडस्ट्रियल कोटिंग और वाटर बेस्ड कोटिंग के ऊपर, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर साहब अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं तन्मय जी का। तन्मय जी
मेरा क्वेश्चन ही है, एक सवाल पूछना था कि आपसे, आप हर बार नंबर डालो, हम ग्रुप में ऐड करते हो बोलते हो बट कभी नहीं करते हो, ऐसे क्या वजह है सर? पता नहीं, क्वेश्चन मेरे आपने लिए कॉल करके भी था। पूछा। ठीक है सर, हाँ मैं सर ऐड कर हाँ देता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे लिए था सर। सर एक बार अपना नंबर आप दोबारा भेज दीजिए। हुआ क्या है कि जो हम लास्ट टाइम आपसे नंबर मांगे थे वो कहीं सेव हो गए हैं और वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, चक्कर ये है। ठीक है सर। सो मैं एक डॉक्टर आपको, हाँ, साहब से सो कोई आई क्वेश्चन हैव पूछना बीन चाहते हैं? आई हैव बीन या हाउ टू इम्प्रूव द ग्लॉस सर, सो बिकॉज यू नो वी वॉन्ट ग्लॉस एंड ऑल्सो TiO2, ऑल्सो इफ वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑल्सो इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, सो आर देर एनी टेक्निकलिटीज डू वी नीड टू कंसिडर? सिलिकॉन का कुछ लोग बोल रहे हैं तो सिलिकॉन ऐड करना है, क्या करना है पता नहीं, वो ग्लॉस नहीं आ रहा है। जी डॉक्टर साहब बोलिए बोलिए। डॉक्टर हाँ साहब ये आप म्यूट सर, मत कीजिए। हाँ सर आपने क्वेश्चन बढ़िया पूछा। आज की डेट में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअल में कि TiO2 ज्यादा डालते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि TiO2 हम लोग ज्यादा डालते हैं, हम लोग बाइंडर भी ज्यादा डालते हैं, फिर भी ग्लॉस नहीं आता है। क्योंकि उसमें क्या है कि आप क्या क्या फॉर्मुलेशन में यूज करते हो। पहली चीज देखिए मैं आपको बताऊं कि कई बार अगर आप फिलर यूज करते हो, आपका हाई क्वालिटी का पेंट है तो अच्छी क्वालिटी के फिलर यूज कीजिए। क्योंकि ये फोरम ऐसा है जहाँ पे मार्केटिंग नहीं करती है एक्चुअल में। हमारा मेरा जो पर्पज है, मैं तो हमेशा यही ट्राई करता हूँ क्योंकि टेक्निकल लोगों को समझ में आना चाहिए, जो मेरे को नॉलेज है ट्राई करते हैं कि सबको मिले वो। तो पहला चीज ये है कि जो भी आप फिलर यूज करते हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का फिलर है तो उसका क्या है, देखिए सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से हम लोग सभी को बोलते हैं कि पहले बाइंडर आपका वो सॉरी थिकनर कम डालिएगा। जैसे HEC वगैरह है वो आप कम रखिए स्टार्टिंग में। अच्छी क्वालिटी का पेंट है जैसे लो PVC है तो HEC वगैरह 0.1 0.15 से ज्यादा मत रखिएगा। तो जो फिलर है उसको स्पेस मिलेगा, उसको डिस्पर्स होने के लिए जगह मिलेगी। डिस्पर्सन प्रॉपर होगा तो आपको ग्लॉस डेफिनेटली मिलेगी। और दूसरा क्या है कि डिस्पर्सन TiO2 का भी अच्छे से होगा उसमें। तो क्वालिटी ऑफ फिलर आप चेक कीजिएगा, HEC कम रखिएगा। HEC कम होने से क्या है, आपका डिस्पर्सन प्रॉपर होगा। अमोल जी अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू पूछना चाहते थे, करना चाहते हैं। अमोल जी हाँ हाँ पूछिए। हाँ हाँ मेरा pH 8.5 है। दूसरा एक दूसरा भी क्वेश्चन है, डैम प्रूफ के लिए कौन सा फिलर यूज करेंगे? क्योंकि देखिए सर डैम टाल प्रूफ क्या, हाँ डैम प्रूफ में मेनली क्या रहता है, आपको पहला चीज तो क्या है वो आउटर में लगता है। डैम प्रूफ जो है अपना अभी उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो बैरियर प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे माइका हुआ टेलकम हुआ उस टाइप के आप प्लेटी फिलर भी यूज कर सकते हो। दूसरा डैम प्रूफ अगर टेरेस पे लगा रहे हो तो आप थोड़ा हार्डनेस भी होना चाहिए। तो हार्डनेस के लिए जैसे सिलिका है बेरियम सल्फेट है वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर तीसरा क्या है उसमें आपका आउटर में है तो आउटर में आपको वेदरेबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग पेंट खराब नहीं होना चाहिए, येलो नहीं पड़ना चाहिए। तो ये फिलर आप यूज कर सकते हो, जैसे टालकम हुआ माइका हुआ बेराइट हुआ सिलिका हुआ, इस टाइप का आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो सर डैम प्रूफ। ओके सर, डॉक्टर आर बालोजी क्वेश्चन पूछना चाहते थे। सर एक बार हैंड रेज दोबारा करेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर बालोजी। तन्मय जी दोबारा पूछना, ओके आर बालोजी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर ये जो हाइड्रेटेड अपना केवोलिन जो बोला था ना सर, हाइड्रोक्सी केवोलिन, वो हाई जहाँ हमको हाईली करोसिव सरफेसेस के लिए कोटिंग डेवलप करना है उसमें ये यूज कर सकते हैं क्या? बिकॉज हाँ इट इज कर सकते हो सर, है ऑलरेडी प्लेटी प्लेटी मटेरियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हो उसको, बट कोई इट इज इशू नहीं है। ऑलरेडी हाइड्रेटेड है तो हमको कुछ करोसिव इंस्पेक्शन के लिए स्टार्ट नहीं होएगा क्या इसमें? नहीं नहीं सर वो हाइड्रेटेड मतलब देखिए सर दो तरह का हाइड्रेटेड होता है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग शर्ट पानी में धोया, पानी में धोने के बाद हम लोग सुखाते हैं उसको, एक तो पानी गिरता है तुरंत है ना, वो पानी एक रहता है। दूसरा क्या होता है कि हम उसको पंखे में सुखाते हैं, कई बार देखा होगा तो भी सूख जाता है वो। तो इसी टाइप से दो टाइप का एक्चुअली मॉइस्चर होता है, एक सरफेस मॉइस्चर होता है एक इनहेरेंट होता है। तो सरफेस मॉइस्चर क्या होता है, सरफेस मॉइस्चर अगर है उसमें तो वो आपका रिएक्शन करेगा, और अगर वो टेम्परेचर जैसे हाइड्रस क्या होता है कब के पानी को छोड़ता है, जब हम 750 और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाते हैं तब वो वाटर उसमें से निकलता है। तो इसलिए वाटर आपका ओके कोई उसमें रिएक्शन नहीं करेगा।
ओके ओके सर, ये फिर टाल्क जो है वो फायर रिटार्डेंट के लिए कैसा, मींस व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ इट किसके इज लिए गोइंग टू सर? हेल्प एज द टाल्क? यू हैव टोल्ड दैट कि इट विल बी एक्टिंग एज अ फायर रिटार्डेंट, है फायर हाँ, रिटार्डेंट, तो कैसा, व्हाट इज द मैकेनिज्म है उसको, कैसा वो? मैकेनिज्म क्या है सर? देखिए, वो प्लेटी है, उसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से। दूसरा क्या है, टैल्क का भी आप देखोगे तो जल्दी से वो आग पकड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई भी फिलर नहीं पकड़ता है, और फिलर पकड़ने के बाद में क्या है, वो बर्न नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है कि उसका फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी उसमें रहता है। एंड आपका जो सोलर रिफ्लेक्टिव कोटिंग करके बोल रहा था ना, वो सॉल्वेंट बेस के लिए यूज कर सकते हैं क्या, मेटल हाँ, कर सरफेस के सकते हो, लिए? फिलर तो कहीं भी यूज हो सकता है, आपको खाली आपका जो जो बाइंडर सिस्टम है वो आपको अलग यूज करना है। जैसे अभी आप सॉलिड बेस की बात कर रहे हो, तो जैसे अभी रेलवेज है, आपकी डेट में रेलवे में इतना सारा एसी यूज होता है, कोल्ड स्टोरेज है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अमोल जी, फिर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं सर, कोई सर, अच्छी बात ये है, ये तो प्लेटफॉर्म इसी के लिए है डिस्कशन सर, का आपको फोरम ही है, क्वेश्चन तो अच्छा है, पूछने के तो लिए ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना है क्या सर ये। होता है प्रैक्टिकली, जरा खेलते हैं इसके वजह से। लाइट फास्टनेस और वेदर फास्टनेस एक्सटेंडर के वजह से कुछ कम हो जाता है ऐसा कुछ? हाँ सर, जैसे वेदर फास्टनेस की बात करें हम, जैसे वेदर में मैंने बताया ना, जैसे बेरियम सल्फेट है वो वेदरिंग प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहता है, तो आपको उस टाइप के फिलर यूज करोगे तो वेदरेबिलिटी आपको अच्छा मिलेगा। मेरी सर वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन होता है ना सर, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ये सभी मॉलिक्यूल्स में होता है, ये सब सब कुछ केमिस्ट्री होता है, तो इसीलिए साइंटिफिकली अगर हमें देखा तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन ऐसे उसको ही हम बेस बना के बाद में हम मॉडिफिकेशन जो भी करना है तो अटेंड स्टैंडर्ड करना है, फॉर्मुलेशन तो तो सर कुछ रहता ही है प्लेटफॉर्म सभी है का, या ये सर। हाँ वही ASTM स्टैंडर्ड तो उसका इसके लिए रहता है, बट ASTM के अलावा कोई ये करता है सर, मतलब दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन आता है ये सभी के लिए, कहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं, तो उसको मॉडिफिकेशन के लिए हम चल सकते हैं, ये ग्लॉसीनेस इंक्रीज करने या कुछ सर भी मॉडिफिकेशन करने के लिए। देखिए, हम लोग ऐसे पेंट टेक्नोलॉजिस्ट तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग एज ए एक्सटेंडर पॉइंट ऑफ व्यू आपको गाइड कर सकते हैं कि फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, उसके बाद में आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो उसको। थैंक यू सर, वैसे मैं करूंगा, आपको कांटेक्ट और भी दूसरा सर, मैं करता हूँ। आपको बीच में भी बोला, सभी लोगों को R&D तो करना ही चाहिए, मतलब क्योंकि मैं करेक्ट तो खुद करेक्ट करेक्ट R&D का बंदा हूं, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा सबको, कुछ ना कुछ तो R&D करते रहना चाहिए। करेक्ट सर, वो हमारा बट बैच टू बैच वो डिफरेंस नहीं आना है बोल के देखना ही हमारा मेन वजह हो रहा है, ये मेरा क्वेश्चन का। देखिए सर, बैच टू बैच को क्या है, पहले आप रॉ मटेरियल से स्टार्ट कीजिए, आपके रॉ मटेरियल को ऑप्टिमाइज कीजिए, रॉ मटेरियल को टेस्टिंग कीजिए। दे आज की डेट में एक्सटेंडर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सटेंडर वाला कभी बताता नहीं, बट बीइंग ए टेक्निकल पर्सन मैं कह रहा हूँ, एक्सटेंडर का लैब का टेस्टिंग का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 50,000 या 1 लाख में आपका लैब सेटअप हो जाता है, जिसमें आप सारे रॉ मटेरियल टेस्ट कर सकते हो। रॉ मटेरियल टेस्ट करोगे तो आपका कंसिस्टेंसी का जो इशू है वो निकल जाएगा, क्योंकि आपका जब, जैसे हम खाना बनाते हैं, आपका हल्दी सेम है, आपका आटा सेम है, सब कुछ सेम है, तो रोजाना सब्जी सेम ही बनती है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। सेम वे में अगर आपका सब कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल को आप कंट्रोल कीजिए पहले, रॉ मटेरियल को कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आपका कंसिस्टेंसी आएगा सर। करेक्ट सर, मनीष करेक्ट। शंकर मिश्रा मनीष जी जी, नमस्ते सर। हाँ सर, मेरा नंबर दे चुका हूँ सर, इस पर ऐड कीजिए। हाँ सर, ऐड हो गए सर, ऐड हो गए आप। ओके थैंक यू। मनीष शंकर जी, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, कैसे हो? जी ठीक है सर। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हैं। पहला, वो जो टाल्क है तो इंसुमेसेंट जो है वो टू टाइप्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, फर्स्ट जो नॉर्मल फायर रिटार्डेंट है और दूसरा जो बबल फॉर्म होके हो रहा है, आइदर यूज इन वाटर बेस और सॉल्वेंट बेस, दो टाइप की कोटिंग रही है मार्केट में, जो VS 474 पार्ट ए बी। तो हमारा जो है कि ये टाल्क जो है वो आइदर यूज इन बबल फॉर्मेशन वाला जो है उससे भी हो सकता है, और दोनों में यूज कर सकते हैं ये टाल्क? हाँ, दोनों में कर सकते हो सर। फिलर देखिए, फिलर का कोई ऐसा वो नहीं रहता है एक्चुअल में, कहाँ पे यूज करना है नहीं करना है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम फिलर सभी प्रॉपर्टी, मतलब सभी एप्लीकेशन में जाता है, खाली आपको उसका एप्लीकेशन क्या है उस पे, जैसे मैंने बताया कैल्साइन क्योलिन और हाइड्रस क्योलिन, जहाँ पे आपको ग्लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ड्राई ओपेसिटी चाहिए तो कैल्साइन के लिए यूज कर सकते हो। तो फिलर मतलब सभी जगह जाता है, खाली आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको यूज करना है। एक जनरल क्वेश्चन सर,
कि ड्राई ऑफिसिटी तो हम इजिली अचीव कर लेते हैं कैसे भी करके, कहीं भी कोई भी पेंट टेक्नोलॉजिस्ट हो या कोई भी। बेट ऑफिसिटी में कोई ऐसा फिलर जो बेट ऑफिसिटी 40% दे दे, ऐसा आपके पास कोई फिलर सर या कोई भी मार्केट में ऐसा? देखिए सर, वेट ओपेसिटी में अभी आपको कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो थोड़ा वेट ओपेसिटी, देखिए ऐसा तो एकदम नहीं मिलेगा उसके जैसा, बट आप जैसे बेरियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बेट है, ऐसे कॉम्बिनेशन में आप अच्छी क्वालिटी के फाइन वाले फिलर यूज करोगे तो थोड़ा वेट ओपेसिटी भी आपको मिलेगा। जैसे हम लोगों को पता है कि एपीएस लाइट है हमारा, वो भी थोड़ा वेट ओपेसिटी देता है, तो उस टाइप से आपको दो तीन कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो वेट ओपेसिटी मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा बट मिलेगा। सेपरेटेड बेरियम सल्फेट के साथ हम यूज करके कर सकते हैं? नहीं, हाँ, मुझे लगा बहुत सारे सर है ऐसे अभी। मुझे लगा कोई और कोई ऐसा कुछ आपके पास अभी इम्प्लीमेंटेशन दी। थैंक्स। हाँ सर, डिमरी जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए सर। या गुड इवनिंग मनीष जी। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन डॉक्टर बंसल, थैंक यू फॉर अ प्रेजेंटेशन। नाउ मेरा क्वेश्चन था कि ताल का एस्पेक्ट रेशियो का जो इंटीमेशन कोटिंग के लिए 800 900 डिग्री तक तो वो काफी अच्छा रेजिस्टेंस देता है, बट व्हेन इट इज अ इंटुमेशन तो टेम्परेचर्स गो अप टू इवन 1100, तो उसमें वो थोड़ा डिग्रेड होता है, ये हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है। तो इसके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हो, बिकॉज वाटर बेस्ड इंटुमेशन कोटिंग हमने बनाया है, तो उसमें आप क्या बोल सकते हो या आप क्या सजेशन दे सकते हो मुझे उस पर? देखिए सर, इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा तो नहीं पता, क्योंकि उसमें जनरली जो फायर रिटार्डेंट कोटिंग बनाते हैं वो 400-500 डिग्री 300 ऐसे चलता है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सिलिका वगैरह भी आप यूज करोगे साथ में तो शायद इश्यू कम हो सकता है। ओके गुजरात ओके थैंक यू। हामिद साहब, हामिद मेनन जी। सर नमस्ते। अनिल सर। हाँ नमस्ते सर, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत स्पीड में और बहुत ही बढ़िया बताया, मतलब इतना नॉलेज और इतना कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, उसके लिए थैंक यू सर, आपने इतना शेयर किया। और इतना बोलना इतना आसान नहीं, इतनी देर तक लगातार कंटिन्यूअसली बोलना। और मनीष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको बुलाया और पानी पिया उन्होंने बीच में लिया हमारे लिए। ये सर थैंक यू सर, एक्चुअली सुनने वाले होते हैं तो मजा आता है बोलने में, 1-2 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट मजा आना चाहिए सबको थोड़ा। देखिए सर, मैंने बताया ना, एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं होते हैं जहाँ जनरली, मनीष जी को पता है मैं कितने सारे प्रेजेंटेशन दिए, कभी अपना टारगेट ये नहीं रहना चाहिए कि अपना प्रोडक्ट बिकना चाहिए, अपना टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट है व्हाट एवर द नॉलेज वी हैव वी ट्राई टू एक्चुअल में एक्सचेंज विद ईच अदर, कि हम लोग उसको कैसे बेनिफिट ले सकें, तो ये मेरा टारगेट रहता है हमेशा। और मैं एक्चुअली आप लोगों से ही सीखता हूँ, आप लोगों का जो कभी किसी का प्रॉब्लम आता है उसको हम ट्राई करते हैं लैब में, हम लोग बनाते हैं कोटिंग्स, हम लोग पेंट्स बना के देखते हैं कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो यही हम लोगों का एक्चुअली वो मेन वो है सर। अभी मेरी दो रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर, पहली रिक्वेस्ट ये, अभी आपने बताया कि 1 लाख रुपए में पूरा लैब सेटअप हो जाता है रॉ मटेरियल टेस्टिंग का। जी सर, उसकी सर अगर आप लिस्ट डाल देते हैं ग्रुप पे जो हाँ, क्या क्या रॉ मटेरियल होने चाहिए पेंट टेस्टिंग के लिए, क्योंकि 1 लाख रुपए पे बड़ी बात नहीं है। हाँ, हाँ। सर हम बहुत जल्दी ना इसके ऊपर एक वेबिनार करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी लैब डेवलप कर सकते हो, डॉक्टर साहब आपको प्रोडक्ट बता देंगे, और बहुत जल्दी लैब सेटअप के ऊपर एक वेबिनार आने वाला है, और उसमें हम लोग लो कॉस्ट में आप कैसे एक लैब सेटअप कर सकते हो उसके ऊपर हम लोग इसमें जाने वाले हैं। और दूसरा कि डॉक्टर साहब बता दीजिए सर, जो भी आप बताना चाहें। सर देखिए अभी अगर मिनरल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, तो देखिए बहुत बड़ा नहीं आता, एक सीव आती है ना रेसिड्यू। देखिए कौन कौन से पैरामीटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहले कलर इम्पोर्टेंट होता है, कलर एक ग्लास प्लेट, स्पेचुला और केरोसिन, तीन चीजों से हम लोग कलर चेक कर लेते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक ब्राइटनेस मीटर आप ले सकते हो, उसका भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, वो एक ले सकते हैं। दूसरा होता है रेसिड्यू, इम्पोर्टेंट होता है कि आपका मेटेरियल कितना फाइन है, उसको फाइननेस चेक करने के लिए आपको एक वो लेना है, सीव लेना है, जो छलनी आती है वो एक लेना है, वो 2-3-4 हज़ार रुपए की आती है। एक आपको ओवन लेना है, 10 हज़ार रुपए का ओवन आता है, अगर जरूरत पड़ता है तो हॉट प्लेट पे भी उसका रेसिड्यू देख सकते हो, और आपका नल तो रहता है पानी का, उसमें आपको रेसिड्यू पता चल जाता है। फिर आपको ओपेसिटी चेक करने का है, ओपेसिटी के लिए बहुत वो नहीं है, एक स्टरर लेना है,
और आपको रेजिन जो बाइंडर वगैरह वो रहता ही है, और टो डाउन 4,000 का एक एप्लीकेटर आता है, 4-5 हज़ार का, मतलब सभी आप टेस्ट देखोगे। कभी ऐसा है तो मैं आपको मेरे यहाँ भी विजिट कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कॉस्ट नहीं होता है, जिनसे आप इजिली चेक कर सकते हो। जी सर, थैंक यू। और सर एक और क्वेश्चन था कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मिनरल्स का, तो उसका कोई कैलकुलेशन है, कोई पेंट्स बनाने के इसमें कोई यूजफुल है उसका कैलकुलेशन, या कोई उसका जो इंफॉर्मेशन होता है अपने को नॉलेज मॉलिक्यूलर वेट का? नहीं सर, देखिए मॉलिकुलर वेट का इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है वो इम्पोर्टेंट होता है उसका। दूसरा उसके कंपोजिशन क्या है, जैसे कई फॉर्मुलेशन में आपको कैल्शियम कार्बोनेट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए। किसी किसी में आपको इनसोल्यूबल पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो उसका कंपोजिशन क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो कहीं भी मिल जाता है। और अगर आप मेरे को कभी भी पूछोगे तो मैं भी आपको बता दूंगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वरुण जी सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बस ऑल फाइन सर। जी आपने दो पॉइंट्स बड़े अच्छे बोले। पहला तो जो लेमिनार इफेक्ट होता है टेल का, वो आपने बताया, दैट इज यस वेरी सर, गुड। सेकेंडली आपने बताया जो टिटेनियम लैटिस, लाइक पेंट लैटिस में टिटेनियम पार्टिकल्स के बीच में जो कैल्शियम कार्बोनेट या जो भी फिलर्स है उनका प्रॉपर स्पेसिंग या पोजिशनिंग प्रॉपर कह सकते, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फिलर्स पर से, उनकी परफॉर्मेंस कहाँ से वहीं से आती है। अब सर यस इसमें सर, थोड़ा और गाइड करिए कि ये परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए राइट काइंड ऑफ एडिटिव कॉम्बिनेशन और स्पेशली वेटिंग डिस्पर्सिंग वगैरह का सर कुछ रोल रहता है? सर रहता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर ने पूछा था क्वेश्चन, क्योंकि हम TiO2 भी ज्यादा लेते हैं, बाइंडर भी ज्यादा लेते हैं, फिर भी क्यों नहीं मिलता है हमको ग्लॉस, क्यों नहीं मिलता है? देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले वेटिंग डिस्पर्सिंग एजेंट का भी हम निकाल सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी मेरे एक लेक्चर में बताया कि जनरली क्या है उसका वेटिंग डिस्पर्सिंग डोसेस कैसे निकालते हैं। आप 40-50% का पानी में स्लरी बनाइए खाली, तो पहली बार में क्या थिक बनेगा, आप जितने भी फिलर यूज करते हो, मान लिया 100 ग्राम के हिसाब से मिक्स कर लीजिए, उसमें से आप 30-40 ग्राम लीजिए और 60 ग्राम पानी लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए स्पेचुला से या ग्लास रोड से मिक्स कीजिएगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हार्ड पेस्ट बनेगा। तो धीरे धीरे उसमें आप डिस्पर्सिंग एजेंट चेक करना है, तो डिस्पर्सिंग एजेंट का डोसेज डालते जाइए 0.1 0.1 के इंटरवल पे, तो विस्कोसिटी डाउन होता जाएगा। विजुअली भी देख सकते हो, अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो एक पर्टिकुलर एक लेवल के बाद में, डाउन होने के बाद में वो इंक्रीज होना शुरू होता है। तो जब इंक्रीज होता है तो वो टाइम पे हमको वो पॉइंट अपन नोट कर लेंगे, वो पॉइंट नोट करेंगे तो वेटिंग डिस्पर्सिंग एजेंट का डोसेज आ जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइन फिलर है, फाइन फिलर की सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपका वेटिंग डिस्पर्सिंग एजेंट का डिमांड भी बढ़ सकता है। मिस्टर स्टीफन बकलर पेंट्स केरला। मिस्टर स्टीफन अनम्यूट योरसेल्फ सर। हैप्पी या हैप्पी न्यू ईयर अनिल जी। या हैप्पी न्यू ईयर सर, कैसे हो? यस यस सर, सर, यस सर। सर जो उसमें वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। अभी अभी कैसे लग रहा है? अभी हाँ जी, बोलिए अभी बोलिए बोलिए अभी बोलिए अभी सर, बोलिए बोलो। बोलिए। हाँ ठीक है। जब हम डार्क कलर जब हमने जो पेंट बना रहे हो, तो हमने बेरियम बेरियम सर आई मीन बेरियम बेरिफिक्स बेरिफिक्स हाँ, डार्क कलर बेरियम हमने सल्फेट मिला यस देते हैं। हाँ बेरियम सल्फेट डार्क कलर, लेकिन उसमें हमने पिगमेंट में ब्लैक कलर ऐड देते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मिलावट है बराबर, जो मिक्सिंग है ना, वो बराबर नहीं हो रहा है। कभी भी क्या बेरी सिर्फ हमारा पेंट में वेरी क्लोज ग्रे पेंट भी है और दूसरा पिगमेंट बेस भी है, फिर भी उसमें से व्हाइट पाउडर निकलती है। तो इसका मतलब आपका क्या बेरियम सल्फेट डिस्पर्स नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ बेरियम सल्फेट जो है हमारा डार्क कलर का बेरियम सल्फेट है और हाँ, पिगमेंट भी जो है हमारा ब्लैक पिगमेंट बेस, फिर भी इसमें से कभी कभी व्हाइट पाउडर निकलती है, वो क्यों होती है? आप सर क्या कीजिए, पहले बेरियम सल्फेट को अलग से डिस्पर्स करके चेक कीजिए कि उसका डिस्पर्शन कैसा है, क्योंकि उसमें ओके अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो ओके बोलिए आपने ये सर, बोलिए आप बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ उसको आप डिस्पर्स करके देखिए, हो सकता है उसमें डिस्पर्शन में कुछ इश्यू हो, इसकी वजह से आपका मिक्स नहीं हो रहा हो। एक बार ऐसा हो तो अलग अलग पहले डिस्पर्स कर लीजिए दोनों को, फिर बाद में मिक्स करके देखिए, तो आइडिया लग जाएगा कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। सल्फेट अगर वाटर बेस में बनाना है
कौन सा डिस्पर्सिंग एजेंट अच्छा है उनको ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, ग्लाइकोल कौन सा अच्छा है? सर डिस्पर्सिंग एजेंट तो एक्चुअली जो नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में, मेरे को बहुत ज्यादा उसका नहीं पता ग्रेड नेम कौन सा अच्छा है, बट तो जनरली बहुत जल्दी इफेक्ट इसके क्योंकि, ऊपर हम लोग एक वेबिनार करने वाले हैं, और तो दूसरा एल डी क्या इस होता पे है कि रहेगी। इस फोरम में थोड़ा बोलना भी ठीक नहीं है कि कौन सी कंपनी का अच्छा है, तो इसलिए बेटर कभी नहीं, अपन हम डिस्कस ही करते आपकी हैं। इसमें मदद करेंगे स्टीफन सर। हाँ, बहुत जल्दी एडिटिव के ऊपर भी वेबिनार आने वाला है, जहाँ पे आप एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, बहुत जल्दी आएगा सर। और अलग अलग से हम सेपरेटली बात कर लेंगे, जितना आप मेरे को आइडिया है कौन सी कंपनी का है तो मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं रहेगा तो इसलिए। नहीं, बेटर है। हरि प्रताप जी, हरि प्रताप जी, जी हेलो, बोलिए सर। नमस्कार सर, कैसे? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा सर। या और थैंक यू सर सर। मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो एमईक्यू, जो एमईक्यू की बात हो रही सर, इसका एमईक्यू हम इंस्ट्रूमेंटेशन से टेस्ट करते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं? थोड़ा एक ये चीज़ जानना चाह रहा था। एमईक्यू मतलब सर? मतलब इसमें आप मोल इक्विलेंट इसका चेक करना था ना, मिनरल्स जो अपने इसमें है टाइटेनियम, इसमें मिनरल्स का। मिनरल्स का कौन सा प्रॉपर्टी क्या बोले सर, मैं समझा नहीं। एस्पेक्ट इसमें दिखा रखा था प्रेजेंटेशन में इसका एमईक्यू चेक करने के लिए। कौन सा वाला स्लाइड पे आप मेरे को बताओगे, तो मैं क्या पर्पज क्या था कोई उसे क्या अपन। जैसे हमारा पेंट है, पेंट में हम चेक कर, पेंट पेंट है, पेंट का हम ग्लॉस, ग्लॉस का रहता है हमारा, सीडी ग्लॉस है, सीडी पेंट है हाँ हमारा। एमईक्यू हाई जा, एमईक्यू हाई जाता तो ग्लॉस कम आ जाता है। हाँ हाँ एमई क्यू मतलब लोडिंग परसेंटेज बोल रहे हो क्या? मतलब सीडी मिलीग्राम, हाँ उसका कंसंट्रेशन, उसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मोलिकुलर वे कंसंट्रेशन एमईक्यू। मैं एक बार देखता हूँ एग्जैक्टली क्या आप पूछना तो चाह रहे हो, उसमें क्या तो हमारा क्या देखा, हाँ हमारे आप क्या बताइए ग्लोस सर। में इम्पैक्ट आता है उसका, जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोड डिपोजिशन है, सीडी पेंट है, उसमें हाँ हम पेंट का पेंट जैसे एमईक्यू हाई होता है और तो हमारा ग्लॉस डल हो जाता है, एमईक्यू डाउन होता तो यार ग्लॉस अपना अच्छा, ओके मैं आ अभी जाता आपकी है। बात समझा सर। उसमें क्या है, आपको एक्चुअल में कंडक्टिविटी चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है, कंडक्टिविटी का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जैसे पीएच मीटर आता है, उसी टाइप का कंडक्टिविटी मीटर आता है। इलेक्ट्रो डिपोजिटिंग में एक्चुअल में वो जो इलेक्ट्रो कोटिंग बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसमें कंडक्टिविटी चेक कीजिए तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा उसमें। कंडक्टिविटी से एमयू का कुछ रिलेशनशिप हाँ ऐसा वो उससे सर रहता है आपको सर निकलेगा कि मैं तो क्योंकि मैं, मेरा कंडक्टिविटी हाँ कंडक्टिविटी कम होना चाहिए उसमें। जैसे कई बार उसमें बेरियम जैसे सल्फेट भी यूज करते हैं लोग, तो बेरियम सल्फेट का अच्छा कंडक्टिविटी भी कम होना चाहिए उस टाइप के पेंट में, तो वो एक बार मेरे हिसाब से कंडक्टिविटी चेक करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। अच्छा जैसे अपन पीएच चेक करते हैं ना, 10% मतलब का एक स्लरी बना रिलेशन के है कि चेक, आप आपका। क्या सर हाँ, जैसे पीएच अपन चेक जैसे करते हैं मतलब ना, उसका एमईक्यू मतलब हाँ 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 सर हाँ जैसे पीएच अपन चेक करते हैं कुछ उसमें है नहीं, उसी टाइप का 10% का स्लरी बनाते हैं। जैसे 10 ग्राम पाउडर लेके और 90 ग्राम वाटर ले लीजिए, दोनों को ग्लास रोड से मिक्स कीजिएगा। जैसे पीएच का अपन इलेक्ट्रो डिप करते हैं वैसे ही आप उसका कंडक्टिविटी का भी चेक कर सकते हो। मतलब ईआरवी सेम रहेगा क्या सर इसका, कंडक्टिविटी नहीं और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और वो दोनों में कंडक्टिविटी सर चेंज अलग होगा, रहेगा? दोनों चेंज होगा क्योंकि अलग अलग उसका अलग अलग रहेगा। एक्चुअल में कंडक्टिविटी सर किस पे डिपेंड करता है मैं आपको वो भी बताऊं। इसमें क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट कितना रहता है। अभी सॉल्ट कहाँ से आता है, जो नेचुरल मिनरल होते हैं, अच्छा जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नेचुरल होता है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट कम होता है। लेकिन जब प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, सपोज फॉर एग्जाम्पल सोडा एफ डाला, तो सोडा एफ डालते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट में बात करें, किसी में भी बात करें, तो क्या होता है सोडा एफ डालते हैं तो जो सोडियम है तो सोडियम का कंडक्टिविटी रहता है, तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है।
जैसे बेरियम सल्फेट वाले में क्या होगा, सोडियम सल्फेट सपोज आपका बना, तो सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट होता है उसका कंडक्टिविटी ज्यादा रहता है, तो आपको सॉल्ट एक्चुअली में प्रॉब्लम करता है, सॉल्ट की वजह से इश्यू होता है, तो सॉल्ट का आप कंडक्टिविटी से आइडिया कर सकते हो। सर यही मेरा जानना था, इसका हम एनालिसिस टाइट्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से देख सकते हैं? नहीं, इंस्ट्रूमेंट सर बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, पीएच मीटर के बराबर मुझे 8-10 हज़ार रुपए का आ जाता है कंडक्टिविटी मीटर, वो आप ले सकते हो, उसमें कंडक्टिविटी आराम से चेक कर सकते हो। ओके सर। Yes, और एक कंसर्न ये था उसका, पार्टिकल साइज का, ग्रेड पार्टिकल साइज करने के लिए, चेक करने के लिए क्या यूज किया जाए, जैसे कि पेंट में पार्टिकल साइज इंस्ट्रूमेंट तो बाय करना डिफिकल्ट है, बहुत कॉस्टली आता है। उसका एक सबसे सिंपल तरीका यह है, आप एक तो रेसिड्यू चेक कर लीजिए 500 मैस में, तो आपको आइडिया लग जाएगा रेसिड्यू बच रहा है कि नहीं बच रहा है। दूसरा क्या है, उसका एक ड्रो डाउन करके देख लीजिए, सिंपल सा छोटे से बीकर में लेके बाइंडर लेके, और आप एक सिंगल ड्रो डाउन खींच लीजिए, तो उसमें आइडिया लग जाएगा कि आपका पार्टिकल डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है तो ग्लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जरूरत नहीं है। संजीव गंडोत्रा जी, आप काफी देर से सर क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मौका मिला नहीं, प्लीज संजीव जी। मेरा सर एक ही क्वेश्चन है सर, ये एटॉक्स जो है इसमें टिटेनियम परसेंटेज कितना होता है जी, और टिटेनियम से इसका जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है? देखिए सर, पहली चीज तो मैं एक चीज और बताऊं, कई बार क्या होता है कि परसेंटेज कौन सा कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, प्रॉपर्टी कैसा है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे टी आई टू परसेंटेज तो डिपेंड करता है, 80% भी होता है, 90% भी होता है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि पहला पूछा आपने प्राइस का, प्राइस रफली हाफ ऑफ द टिटेनियम होता है, या ये कह सकते हो कि 60% ऑफ द टिटेनियम होता है, तो प्राइस में तो बेनिफिट रहता है। दूसरा चीज क्या रहता है, ये टाइप के प्रोडक्ट में क्या हो गया, अभी आज की डेट में खाली टिटेनियम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी कैसा है, क्योंकि एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी के लिए अकेला टिटेनियम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे ऑक्साइड से बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज होना जरूरी है जिससे आपको एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी मिलेगा। नहीं नहीं जब हम उसको एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ टिटेनियम लेके चलते हैं ना जी, हाँ सर, तो उस केस में हमारे को ये लेना पड़ता है कि भाई देखो फिलर्स तो अलग अपनी जगह है जो भाई उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हाँ एटॉक्स हम लेके चल रहे हैं कि एज ए कलर टिटेनियम लेके चल रहे हैं एक तरह का, समझिए ऑफ वाइट टिटेनियम लेके चलते हैं जी, हाँ उस पर टिटेनियम का परसेंटेज का मैटर तो होता है जी, और फिर वो एक यूनिफॉर्मिटी रहती है हमेशा जी। हाँ, यूनिफॉर्मिटी तो रहेगी सर, यूनिफॉर्मिटी हमेशा रहेगी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टिटेनियम पार्ट दोनों सब सेम ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी एक बार प्रोडक्ट अगर आपको चलता है कोई भी प्रोडक्ट, अगर मेरी बात करें तो हम लोग कभी चेंज नहीं करते हैं। आपका एटॉक्स के बारे में पूछ रहा हूँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि हम लोग कभी कोई, जैसे आपको एक ग्रेड चालू हुआ आपको चलता है, तो हम लोग कभी उसको चेंज नहीं करते फॉर्मुलेशन को, मतलब एटॉक्स की में जो शेड और टिटेनियम परसेंटेज दोनों एक यूनिफॉर्मिटी रहती सेम, है। हाँ सेम मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। ये डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय हमें दिया अपना, और जैसा कि हम लोगों का अभी वाइंड अप का टाइम हो गया है, और आप सबको हमने एक अलाउ कर दिया अपने आपको अनम्यूट करना। मंजीत जी एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मंजीत जी। हाँ सर, ये लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। मंजीत जी कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप बताएं सर कैसे हैं? सर बढ़िया एकदम। अच्छा मैं डॉक्टर साहब एक बात बीच में कहना चाहता हूँ, मंजीत जी बोले उससे पहले, ये जो पूरा कुनबा हम दोबारा से इकट्ठे किए हैं, मंजीत जी एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है, मंजीत जी भी हमें, आप भी सब कोविड के टाइम पे जब हमारी पेंट विजन की वेबिनार होती थी, साथ में वरुण भी है, वो तब से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत जी आप क्वेश्चन पूछिए। एक्चुअली वो एक मजा अलग ही है, क्योंकि पैसे मिलना नहीं होता है सर, आज भी मजा बहुत है, आज भी हम लोग जो 100 का मार्क है वो क्रॉस कर चुके थे, और लोग वेटिंग में थे, और ऐसा रहा कि कई लोग ऐड नहीं हो पाए, उन्होंने वेट किया है फिर ऐड हुए हैं, तो ये वही समय है सर जब हम वेबिनार करते थे, उस समय भी ऐसा ही रहता था सर। मुझे एक बार का याद है, आपने 259 पे ओपन किया था, एक्चुअली 1 मिनट में 100 क्रॉस हो गया, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का मेरे को पर्सनली फोन आया कि सर हम लोग इंटर नहीं हो पा रहे हैं, कि इसको और बढ़ाएंगे, इसका जो ऑडियंस है उसके और बढ़ाने के लिए सर इसको और जूम के अंदर करते हैं सर। एक बार मंजीत जी मेरा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मंजीत जी एक बार मेरा, मैं बताता हूँ कि मैं खुद मेरा बंद हो गया था, मेरे को एंट्री होना मुश्किल हो गया था। ठीक बात है।
जी मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो ये हाइड्रस क्ले हम बनाते हैं तो सर इसके इसके प्रोसेस में जो किस चीज से इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसमें जो लस्सर इफेक्ट आता है जब आप पानी डालेंगे, जो लस्सर इफेक्ट आता है वही बाद में कन्वर्ट होके वो ग्लॉसी फिनिश देता है, तो वो लस्सर इफेक्ट कौन सा केमिकल का ट्रीटमेंट है? नहीं सर, इसमें क्या होता है, अभी आप क्ले का प्रोसेस देखोगे तो जैसे डिपेंड करता है आपका रॉ मटेरियल एरिया पे। अभी आपने इंडिया में देखोगे तो कच्छ साइड में क्ले है और इधर केरला साइड में, इंग्लिश इंडिया का जो है, अभी कच्छ साइड के अगर क्ले में जाते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारा सिलीका होता है। अब सिलीका अगर उसमें रह जाएगा तो आपको क्या है, ग्लॉस नहीं देगा, हार्डनेस बढ़ाएगा। तो उसमें क्या होता है, पूरे सिलीका को रिमूव करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर ठीक है सिलिका प्रॉपर इम्प्रूव मतलब रिमूव कर दिया तो आपका क्या होगा, वो ग्लॉस देगा ही देगा बाद में। और उसमें क्या है, दूसरा क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है, दूसरा प्रोसेस। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे अभी कोई चीज को हमने भर के रख दिया, एक टैंक में रख दिया, तो उस टाइप से उसको टैंक में भर के रखते हैं, टैंक में भर के रखते हैं तो ऊपर से डिकेंट करते हैं, तो जो कोर्सर पार्टिकल होते हैं या सिलिका पार्टिकल होता है या क्ले का भी हैवी पार्टिकल होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर ऊपर से डिकेंट करके फिर उसको फिल्टर करते हैं। तो जैसे आप उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, कई बार जैसे आपके कॉम्पेटेबिलिटी सिस्टम में नहीं आ रहा है तो उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, बट जनरली ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस में केमिकल लगते हैं वो ही लगते हैं। जैसे आपका उसमें डिस्पर्सिंग के लिए जरूरत पड़ता है, क्योंकि सेपरेशन सिलिका का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे जो डालते हैं वही डालते हैं, तो वही एक ट्रीटमेंट होता है, बाकी अलग से जरूरत नहीं पड़ता है उसमें। तो आपका कहने का मतलब है जो जो मुल्तानी मिट्टी वगैरह गंगा किनारे का जो दोमट मिट्टी है उसको भी इसके हिसाब से हम इसी पार्टिकल साइज में ट्रीट कर दें तो ऐसा ग्लॉसी इफेक्ट आएगा। नहीं सर, वो मुल्तानी मिट्टी जो है एक्चुअली वो डिफरेंट मिनरल है। वो क्या है, जो अपना ये आता है ना थिकनर आता है, वो कैटेगरी का है। अगर उसको भी आप ऐसे ही ट्रीट करोगे, ऐसे ही करोगे, तो उसमें अच्छी क्वालिटी का थिकनर बन जाएगा, अच्छा, रियोलॉजी बनेगा तो वो मॉडिफाई भी का काम अच्छा। हाँ बनेगा करेगा, वो भी, लेकिन वो नेक्टोन टाइप थिकनर, है सर वो। हाँ जैसे यहाँ अपने राजस्थान में है, बाड़मेर साइड में है मुल्तानी मिट्टी, जो अपने बालों में लगाते हैं उसमें भी सेम है। अगर उसको भी आप डिकेंट करके अच्छी क्वालिटी बनाओगे तो अच्छी क्वालिटी का थिकनर बन जाएगा। ठीक है सर, सर मतलब बालों कोई का तो नंबर ही केमिकल बढ़िया नहीं है, मैं होता है। अपने मुंह पे जरूर लगाता हूँ वो। हाँ नहीं, वो अच्छा रहता है। और सर उसमें आप देखोगे बेंटोनाइट को, ये लेडीज भी प्रेग्नेंट होती है ना तब उसको खाते हैं, क्योंकि रोस्टेड मिलता है ना रोस्टेड वाले को, तो इसमें मिनरल का एक्चुअल में देखो तो बहुत बड़ा रोल है। आप बहुत डेली लाइफ में देखोगे तो सबको एक्चुअल में जरूरत पड़ता है उसका। बिल्कुल, तो इसमें मतलब मेरे मतलब आपके हिसाब से या फिर हमारे हिसाब से कोई ट्रीटमेंट केमिकल, मैं तो ये सोच रहा था ना कि मैं यदि मतलब थोड़ा सा रिसर्च करके ये देख रहा था कि पता चल जाए किस केमिकल से ट्रीट करते हैं, तो बहुत सारे मैं थोड़ा कैल्साइट के साथ ट्राई कर रहा था उसको ग्लॉसी बनाने का, कुछ हद तक देखिए बना पर वो एक्सटीरियर में इफेक्ट वो काम नहीं कर रहा है। कैल्साइट में जनरली स्टेरिक एसिड का ही ट्रीटमेंट ज्यादा चलता है एक्चुअल में, बट आपको देखिए खाली ट्रीटमेंट से काम नहीं होता है, ट्रीटमेंट के बाद में आपको यूटिलाइजेशन भी उसका होना चाहिए, क्योंकि आपने ट्रीट तो कर दिया, हाइड्रोफोबिक बना दिया, फिर आपने वेटिंग डिस्पर्सिंग एजेंट डाल दिया, तो वेटिंग डाल दिया तो आपका कोटिंग फिनिश हो जाएगा पूरा, नहीं, तो वो वो भी। स्टेरिक से नहीं किया था मैं तो ऐसे मैं उसको ग्लॉसी बनाना चाह रहा था, हाँ, वो मैं उसको दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहा था थोड़ा सा और नैनो बना के उसको, पर वो एक्चुअल हो तो रहा है पर वो एक्चुअल मतलब जब आपका वो वेट होता है तो दिखता है ड्राई होने के बाद हाँ उसमें ड्राई होने पे एक्सटीरियर फिर में वापस प्रॉब्लम से आता है, एग्लोमेरेशन हो जाता है। हाँ एग्लोमेरेशन, एक्सटीरियर आने के बाद क्रैक्स वगैरह थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स है। हाँ आपको ऐसे ग्लॉसी में यूज करना है तो आप उसको स्लरी बना के यूज करोगे डायरेक्ट, तो जैसे पेपर एप्लीकेशन में ज्यादातर लोग ऐसे यूज करते हैं, वो ड्राई जी करते ही नहीं है, डायरेक्ट यूज करते हैं वो लोग। जी सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ उजियामा पात्रावाला सर, पहले तो आप ये बताएं आप कहाँ से हैं। ये इंदौर से, खुशियामा साहब अनम्यूट कर लिया आपने, बोलिए प्लीज। खुशियामा साहब अनम्यूट तो हो गए लेकिन जी अच्छा, जो मैं देख पा रहा हूं अभी हमारे साथ कुलदीप वर्मा जी भी जुड़े हुए सर हैं टॉरेक्स के। हाँ जी हाँ जी, खुशियामा साहब बोलिए प्लीज। हाँ मैं दावत से बोल रहा हूँ, कहाँ से सर? दावत से, दाव दावत दाव गुजरात से। सर ओके, गुजरात से। ओके 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 मेरा क्वेश्चन है कि ये डॉक्टर अनिल ने अभी जो कलर पिगमेंट्स डेवलप किया है राल सेट काट का, वो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स है कि इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स है? उसमें सर दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन है, डिपेंड करता है, ज्यादातर इनऑर्गेनिक है,
बट किसी किसी में ऑर्गेनिक भी रहेगा, जो जैसा रहता है उसके हिसाब से एक्चुअल में उसको डेवलप किया है। तो उसमें सब सारे रात के शेड अवेलेबल है कि कम पर्टिकुलर शेड अवेलेबल है आपके नहीं, पास? उसमें अभी करीब 30 शेड्स तो है अवेलेबल, और आपका जो भी राल का सिलेक्शन करोगे कि ये शेड चाहिए वो शेड उसमें मिल जाएगा। तो सर उसका ग्राइंडिंग हाई स्पीड पे मिल जाएगा कि उसको डायनोमिल में पास करना पड़ेगा? नहीं, अभी जैसे आप टिटेनियम को कैसे यूज करते हैं वैसे ही आपको यूज करना है इसको। हाई स्पीड पे मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, मेरा हाई स्पीड पे आ जा रहा है ग्राइंडिंग। तो ये भी आ जाएगा सर हाई स्पीड तो पे। सब ऑर्गेनिक पिगमेंट है जैसे के क्रॉम्स पिगमेंट है और ये लेड पिगमेंट है, वो तो हाई स्पीड पे ग्राइंडिंग में आएगा? नहीं सर, पर ये क्या डिस्पर्स फॉर्म है आपको, ऐसा मतलब डायरेक्ट पिगमेंट नहीं है ना ये वाला। ओके, तो उसको टिंटिंग करने की रिक्वायरमेंट रहती है? डायरेक्ट शेड अचीव हो जाएगा रन? नहीं, डायरेक्ट शेड हो जाएगा सर, कोई जरूरत नहीं है उसमें कुछ भी टिंटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो उसमें आप आइएगा, आप तो पड़ोस में ही हो, आपके ये भी है रंग जीवन वाले भी जनरली आते रहते हैं यहाँ से गोधरा से। ओके, मैं बड़ौदा ही बैठता हूँ ना, बड़ौदा। आपका कहाँ पे है? बड़ौदा में ही है सर, बड़ौदा में। तो ये जो सपोज अपने को एक येलो सेट बनाने का है तो उसमें ये लेड पिगमेंट जाएगा, उसकी कॉम्बिनेशन में ये पिगमेंट कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा? नहीं, अभी इसमें हमारा पर्पज क्या रहता है, आप हमको कोई भी राल का सेट बताइएगा कि ये सेट चाहिए, हम आपको डायरेक्ट वन पैक ही दे देंगे, आपको कुछ उसमें डालने का ही नहीं। फिर नहीं तो उसमें परसेंटेज ऑफ पिगमेंट्स कितना एंटर करना डालना पड़ेगा हमको? वो आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपके एंड पे, बट उसमें बाकी का कुछ डालना नहीं है, डोसेज खाली आपको ऑप्टिमाइज करना है कितना डोसेज जाएगा। ओके ओके, तो मेरे को 3-4 सेट की रिक्वायरमेंट है कलर राल का, तो मैं आपसे नंबर भेजूंगा, तो आप मेरे को अगर डेवलप हो सके तो डायरेक्ट पिगमेंट सेट देना बना के। चलेगा चलेगा सर, नो इशू। ओके ओके, थैंक यू। चलिए सर, आज का जो वेबिनार है बहुत सक्सेसफुल रहा हमारे को, हमने जब से स्टार्ट किया है यानी सेकंड राउंड जब से स्टार्ट हुआ है, और आज डॉक्टर साहब आपके एक इस प्रेजेंटेशन के लिए लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, और मैं कुछ लोगों के नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ बहुत समय से जुड़े रहे हैं। कुलदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी समय से वो सुन रहे हैं हमारी बात, और टोरेक्स केमिकल के नाम से है हमारे पाउडर कोटिंग का जो इवेंट होता है वो सारा कुलदीप वर्मा जी हैंडल करते हैं। और सर नमस्कार कुलदीप जी। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। अमन जी जुड़े हैं मैक्स पेंट वेस्ट बंगाल कोलकाता से। अमन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी है लोग सर, अभिषेक मिंडल के नाम वो भी जुड़े थे, तो देखिए सबका नाम लेना मेरे लिए तो मुश्किल है। संजीव गंडोत्रा जी ऑफ कोर्स फ्रॉम ओरिएंट पेंट, तो बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबको एक अलाउ किया है कि आप अपने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार सब अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद कर सके, एक अप्लॉज कर सके, उनके लिए ताली बजा के उनका एक धन्यवाद कर सके। सभी अपने आप को आप एक बार अनम्यूट कर लें और एक बार जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जो इनका ज्ञान है वो हमारे को बहुत अच्छे से फायदा पहुंचा रहा है, पूरी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा रहा है, उनकी कॉस्टिंग को कम कर रहा है, क्योंकि जो इन्होंने शेड्स बनाए हैं मिनरल्स के अंदर वो काफी इफेक्टिव हो रहे हैं और ये R&D इनकी काफी कामयाब हो रही है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पेंट इंडस्ट्री की तरफ से भी, पेंट विजन की तरफ से भी, और आप सबको मेरा दोबारा से आग्रह है, दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कोई भी टेक्निकल चीज, टेक्निकल बात पब्लिक तक रखना चाहे, पेंट इंडस्ट्री में देना चाहे, तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। अगले हफ्ते फिर दोबारा मिलेंगे आप लोगों से शनिवार को रात को 9 बजे, और तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, पेंट विजन को लाइक करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाला समय जो है हम लोग आप सबकी हेल्प कर सकें पेंट इंडस्ट्री के अंदर। और याद रखिए मई के अंदर हमारा एक बहुत जबरदस्त शो आने वाला है इंडस्ट्रियल कोटिंग और वाटर बेस्ड कोटिंग के ऊपर, बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, थैंक यू।